छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी सूची कल देर शाम तक जारी कर दी जाएगी। आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक होनी है, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। साथ ही उसेंडी ने कहा कि नाराज समर्थकों को मनाया जाएगा। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा ने विक्रम उसेंडी से खास बातचीत की, सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सभी 11 सीटों में नए चेहरों को उतारने का निर्णय लिया है। 5 सीटों की घोषणा भी कर दी गई है, जिसमें नए चेहरे आए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी यहाँ पर मौजूद हैं। नए चेहरे आए हैं और निश्चित रूप से 10 सांसद आपके थे, जिसमें से कई सारे बहुत सीनियर सांसद थे। ऐसे में नए चेहरे को उतारना उन सांसदों की जगह कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण निर्णय होगा और इससे कैसे निपटेगी भाजपा? ये सही कह रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए, उसमें जिस प्रकार का यहाँ पर एक भाजपा का प्रदर्शन होना था, उसके आशा के अनुरूप नहीं रहे। ये सब देख चीज़ों को देखते हुए हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ हमारे प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया कि इस समय पूरे एक बार पुराने जितने भी हमारे 10 सीटिंग सांसद बदल करके नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। तो इस प्रकार का एक निर्णय होने के बाद कल ही हमारे 5 लोकसभा के हमारे सभी प्रत्याशियों की घोषणा होगी, जहाँ STSC सीट की, और बाकी के जो बचे हुए सीट की बहुत जल्द अभी उसकी घोषणा भी की जानी है। बिल्कुल, अभी पता चला है कि आप लोग दिल्ली जाने वाले हैं कल से, फिर से कल केंद्रीय समिति की बैठक फिर से होने वाली है और उसमें बाकी सीटों पर फैसला होगा, जिसमें भी नए चेहरे होंगे, क्योंकि 26 तारीख जो है द्वितीय चरण के मतदान की जो है अंतिम नामांकन की अंतिम तारीख है। तो क्या लग रहा है कल कौन कौन जा रहा है दिल्ली, कब तक लिस्ट आ जाएगी? कल हमारे यहाँ प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी भी रहेंगे, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी वंसाय और प्रदेश अध्यक्ष नाते मैं भी जाऊंगा, और हमारे प्रभारी अनिल जैन वही हैं। तो इस प्रकार से पहले हमारे प्रमुख प्रदेश के हमारे पदाधिकारी बैठ करके हमारे जो केंद्रीय चुनाव समिति के बाद जितने भी बचे हुए 6 नाम हैं उस पर एक पैनल के रूप में हम बात को रखेंगे, और अंतिम निर्णय मुहर तो केंद्रीय चुनाव समिति ही निर्णय लेगी। उस आधार से कौन कौन हमारे प्रत्याशी होंगे इसका निर्णय कल 23 तारीख बैठक के बाद देर शाम या परसों तक होने की संभावना है। जी, तो ये थे विक्रम उसेंडी जी, और इनका कहना है कि जो जिन सांसदों की टिकट काटी गई है उनसे राय मशवरा करके ही नए लोगों को टिकट दी जा रही है, और उनको समझाइश दी गई है, पार्टी के पक्ष में काम करने के लिए कहा है जो प्रत्याशी चुने गए हैं, और उनके जिस तरह से उन सांसदों को मना लिया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, इसी तरह उनके समर्थकों को भी मना लिया जाएगा। और इनका आज भी ये दावा है कि हम पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो रिकॉर्ड कायम किए थे जीत का, वो रिकॉर्ड का कायम इस बार भी कायम रखेंगे। कैमरामैन ठाकरे के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।